ये सवाल है भारत के युवा के, वो युवा जो भारत का भविष्य है, लेकिन वो सेक्स से संबंधित कई समस्याओं से घिर गया है। कई सवाल ऐसे हैं जो उनकी अज्ञानता को भी दिखाता है कि इस देश में सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन की कितनी आवश्यकता है। एक ऐसा देश जहां काम सूत्र की बातें हुआ करती थी, जहां ऋषि स्वयं काम सूत्र को बारे में बताते थे ताकि सेक्स को लेकर के एक हेल्दी टॉक किया जा सके, उस देश में सेक्स आज टेबू सब्जेक्ट हो गया है, यानी उस पर बात करना मुश्किल जान पड़ता है। और यही वजह है कि ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे हताशा, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी और कई तरह के पारिवारिक संबंधों में टूटन की समस्या आग कर सामने खड़ी है। और ऐसा अवसादग्रस्त व्यक्तित्व युवा कैसे भारत को एक सुंदर भविष्य देगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस समस्या की गहरी पड़ताल करें और इन समस्याओं के गर्भ में जाकर के हम समझें कि कैसे इससे छुटकारा पाया जा सके। योग की क्या इसमें देन हो सकती है, हमारी सोच की क्या देन हो सकती है, इन तमाम चीजों पर हम संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे। चाहे सेक्स से रिलेटेड जितने तरह की समस्याएं आप देखते हैं, किसी को स्वप्न दोष है, नाइट फॉल है, किसी को शीघ्र पतन की शिकायत है, किसी का वीर्य पतला है, किसी का वीर्य ही तैयार नहीं हो पाता है, तो कई तरह के कोई काम उत्तेजना ही फील नहीं कर पा रहा है, एक नेचुरल समय के से पहले भी सेक्स से दूरी क्यों बनती जा रही है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम की उत्तेजना भरी हुई है, ये असंतुलन बीमारी हर तरह से जो परेशान कर रही है, उसका रिजल्ट क्या, उसकी समस्या क्या है। एक सर्वे जो किया गया है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भी, वो भारत NCBI का जो सर्वे है वो भी बड़े चौंकाने वाले नतीजे दे रही है। वो बता रही कि ग्रामीण भारत का हर 5 में से एक युवा एक या दो से अधिक सेक्स से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित है और यही कमोवेश समस्या स्त्रियों की, लड़कियों की है। 7 में से एक लड़कियां भी सेक्स से जनित बीमारियों से ग्रसित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे शहर हो या गांव, पूरा का पूरा एक बड़ी आबादी, देश की करोड़ों जनसंख्या सेक्स समस्या से ग्रसित है। कारण क्या है इसका? जो सबसे बड़ा कारण है वो जो देखने में आया कि मिडाइबल एज में, यानी बीच के कालखंड में, ऐसी शिक्षा जिसने हमारे मस्तिष्क को दिग्भ्रमित किया। आप जानते हैं कि साइंस भी कहता है और हर तरह का शास्त्र कहता है कि सेक्स आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, तब वो जाकर के अंग में वो प्रकट होता है। आपके मन में पहले ख्याल आता है, आपके मन में पहले विचार आते हैं, तब वो उत्तेजना में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए विचार जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपके मस्तिष्क की तरंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरह के विचारें आपके दिमाग में आंदोलित हो रही है। लेकिन इसी दिमाग को अगर करप्ट कर दिया जाए तो उससे पैदा होने वाले हर चीज में करप्शन दिखेगा और कमोबेश यही चीजें सेक्स समस्या के साथ घटित हुई है। आप देखेंगे कि कई लोगों बोलते चले जा रहे हैं कि वीर्य का नाश से आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है, आपका यौवन समाप्त हो जाता है, आपका आध्यात्मिक विकास समाप्त हो जाता है। क्या ये बात उतना प्रमाणिक है? बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी बातें हैं कि वीर्य को संरक्षित करना है, वीर्य को संरक्षित करना है। वीर्य का इस संदर्भ में संरक्षण की बात कभी भी हमारे ऋषियों मुनियों ने नहीं की, ना ही किसी शास्त्र में इस तरह की बातें कही गई है। उसको बहुत ही गलत संदर्भ में, सेंस में पेश किया गया है। वीर्य एक संपूर्ण ऊर्जा का नाम है, सिर्फ उसका आपके स्पर्म से लेना देना नहीं है कि वो आपने एक चीज को वीर्य को रिलीज कर दिया और आपकी ऊर्जा समाप्त होगी। जब आप इस तरीके से डर डर करके आप जब सेक्स में उतरते हैं या सेक्स के तरफ जाते हैं तो इसी तरह की यौन विकृति या यौन विकार हमारे अंदर प्रकट होता है। इसलिए सबसे पहले इस तरह के जो विचार हैं उसको समाप्त करने की जरूरत है, उसको मन से हटाने की जरूरत है। आप डरिए नहीं, जो फियर है ऐसा स्टडीज कहती है, रिसर्च कहता है कि अज्ञानता यानी जानकारी का अभाव और फियर, उसको लेकर के भ्रांतियां सबसे बड़ी वजह है। कोई लड़का है, युवा है, वाजिब तौर पे अब वो समय नहीं रहा कि सही समय पे आप कहीं पे शादी विवाह हो गया, संबंध आपके बन गए। कई सारे युवा हैं जो उम्र हो चुकी है, कई लंबे पड़ाव से गुजर चुके हैं, शादियां नहीं हुई है,
मन में हार्मोन्स चेंज होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, सेक्स की इच्छा होती है, वो हस्त मैथुन कर लेते हैं। कुछ हद तक ये प्रिवेंटिव है, ये ऐसा नहीं कि बहुत आपके मन को एक तरह से जो ऊर्जा गलत दिशा में जा सकती थी उसको आपने एक स्वरूप दे दिया। वो इतना भी खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है ही नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें किसी भी तरह की कुंठा आप पैदा मत कीजिए। ये जरूरी है कि हम हस्तमैथुन से नेचुरल सेक्स के प्रोसेस या सेक्स से परे जो हमारी शक्ति का आंदोलन है, जो अध्यात्म कहता है, उस तरफ जाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा हस्तमैथुन कर लेता है तो इसमें कहीं भी आप फ्रस्ट्रेट ना हो कि क्या हो गया, कैसे हो गया। हाँ, असंतुलित हस्तमैथुन भी आपके असंतुलन मानसिकता को दिखाता है, उसको संतुलित करने की जरूरत है। तो ये पहली चीजें हैं कि जो नेचुरल कॉल है शरीर का, उसको लेकर के कुंठा मत पालिए, उसको जबरदस्ती मत दबाइए। जब आप जबरदस्ती जैसे एक स्प्रिंग है उसको दबाते हैं तो वो और ज्यादा कस के ऊपर प्रकट होता है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि कई तरह की गलत चीजें, अभी हाल ही में दिल्ली में खबर आई कि एक 90 उम्र की बुजुर्ग महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार की कोशिश की गई, फिर बाद में वो युवक पकड़ा गया। इस तरह की विकृतियां क्यों आई है? क्योंकि किसी ने उन्हें गलत शिक्षा दी है कि यौन को दबा देना है। आपको या तो उसको दबाने के बताया जा रहा है या उससे भागने की तरफ बताया जा रहा है, बल्कि योग में इससे अलग है कि ना दबाना है ना भागना है, बल्कि यौन शक्ति को कन्वर्ट कर देना है एक दूसरी ऊर्जा में, काम की ऊर्जा, नाम ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह का उपाय है। तो सबसे पहले इस तरह की जो भ्रम है उससे आप दूर होइए। दूसरा, अश्लील बातें और अश्लील वीडियो, ये इस चीजों का ज्यादा चलन हो चुका है। हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके विषय में सोच रहे हैं। अपनी ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाइए। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को सही दिशा में इंगेज करते हैं। आज युवा कुछ पढ़ाई कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो आपके जीवन में जो सोशलाइजेशन है कि लोगों से मिलना जुलना, बात करना, हंसना बोलना, इन सब को एक्टिवेट कीजिए तो आपकी इस तरह की कुंठाएं खत्म होगी। आनंद के दूसरे पलों को तलाशिए, जिसमें खेल हो सकता है, योग अभ्यास हो सकता है और कई तरह की कृतियां हो सकती है। आप कुछ रचना कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। इन सबों से युवा दूर हुआ है तो मन जो कुंठित हो रहा है, मन जो मनोरंजन नहीं कर पा रहा है, वो सेक्स के तरफ उत्सुक हो रहा है और कई तरह की विकृतियां पैदा कर रहा है, तो इन चीजों से आपको बचना है। तीसरी चीज है कि कई बार जो बताया जा रहा है कि इच्छाएं हैं लेकिन गड़बड़ हो रही है, तो उसका कारण है जो पैल्विक फ्लोर है, जो अपान वायु है, जो बिलो नेवल है, वो सेक्स का मुख्य सोर्स है। और अगर अपान वायु एक्टिवेट रहेगा तो आपका सेक्स एनर्जी संतुलित रहेगा। इसके लिए अपान वायु के लिए आपको ऐसे आसन करने पड़ेंगे जिससे इस एरिया में, जैसे मैं बद्धकोण आसन किया, तो इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। और ऐसे कई सारे आसन हैं जो प्राण का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाए। आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में दे दिया जाता है, आप उसकी नियमित तौर पर प्रैक्टिस करें। आपका सांस, यानी आपकी सांसें भी आपके मन को कंट्रोल करती है। शास्त्र कहता है चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चला भवेत, यानी सांस कंट्रोल होगा तो विचार में कंट्रोल आएगा। अगर विचार में बहुत ज्यादा सेक्स की धूम मची हुई है तो आपको सांसों पे काम करने की जरूरत है। किस तरह से सेक्स और सांस का संबंध है उसका भी लिंक आपके कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर डिटेल में समझिए और इस समस्याओं से दूर होइए। और जिनको शीघ्र पतन की समस्या रहती है उसमें भी सांस की भूमिका है, उसको जरूर सुनिए। क्योंकि ओवरऑल आपके मन में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है तो आप सही जगह पर, जहाँ पर आपको सेक्स में इंगेज होना था प्रॉपर तरीके से, वहाँ नहीं होकर के शीघ्र पतन के हम शिकार हो जाते हैं, इसीलिए उससे बचना है। फिर स्वप्न दोष की बात आ रही है, नाइट फॉल की आ रही है, उसकी वजह यही है कि हम दिन में सेक्स को लेकर के इतनी बातें, इतने विचारें आ रहे हैं कि हमारे भीतर में सेक्स एक उफान बन के घूम रहा है, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं।
क्योंकि आपकी शिक्षाएं ऐसी हैं कि वीर्य का नाश होने से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। तो मन और शरीर उसकी व्यवस्था स्वप्न में कर लेता है, इसलिए नींद में ही आपके सेक्स के विचार से आपका इस तरह का स्वप्न दोष की शिकार हो जाती। तो उसकी वजह वही है कि हमारी शिक्षा, तो उससे हटने की जरूरत है, योग को अपनाने की जरूरत है, प्राणायाम आसन को अपनाने की जरूरत है, और जिस तरह के वीडियो को हमने दिया है आप उसको अजमाइए। किसी तरह की कुंठा से बचिए, किसी तरह की इस तरह की गलत सीख से बचिए, क्योंकि हर तरफ जितने ज्यादा अज्ञानता, और यो कई तरह की जैसे धातु की समस्या है, कहीं कहीं धातु रोग कहते हैं, यानी आप यूरिन के साथ साथ धात को फील करते हैं, इसको सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ये समस्याएं हैं, जबकि पूरे विश्व में इसको बीमारी ही नहीं मानी जा रही है। क्योंकि जब आप विचार में सेक्स बहुत ज्यादा होता है और आप कहीं से किसी तरह से आप अपने आप को रोके हुए ताकि वीर्य का नाश नहीं हो जाए, तब वो थोड़ा बहुत मात्रा में पेशाब से आपके यूरिन से पास हो जाता है और हमें लगता है कि धात जो है निकल रहा है। दरअसल वो आपके सोच की कुंठित विचार जो है उसका वो निकलना है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन तमाम चीज़ों से बचिए। पॉन्ड साइड जो है, अश्लील वीडियो, अश्लील टॉक, अश्लील कहानियाँ, इन सब से सेक्स को आप आनंदित नहीं कर पाएंगे बल्कि कुंठित होंगे। सेक्स एक नेचुरल चीज है जिसमें जो आप सही समय के साथ, और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैरिड लाइफ जिनका हो जाता है उनको नाइटफॉल की समस्या खत्म हो जाती। क्यों उनकी समाप्त हो जाती? क्योंकि मन में जो विचार था वो अब कार्य रूप में हो चुका है। इसलिए हर समस्या आपके मन में पैदा हो रही है, और योग मन की चिकित्सा का विज्ञान है, कला है। आप इन तमाम वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया जा रहा है उसका नियमित आप अभ्यास कीजिए, और इस जो लगातार एक फहरिस्त बढ़ती जा रही है, युवा लोगों के सवाल बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, आप इन सवालों से शुरुआत में घबरा गए होंगे, और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं इस तरह के सवालों का हर दिन सामना कर रहा हूँ, मुझे जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये समस्या जड़ से समाप्त हो, और इस तरह की बातों से आपको ऊपर उठना होगा जो मन में विकृति को पैदा करती है, और योग आसन और प्राणायाम और आध्यात्मिक चेतना के जागृत करने के सारे आयाम से आपको जुड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। इस वीडियो को युवा जागरूकता के लिए आगे बढ़ाइए। आप अपनी बातों को, समस्याओं को कमेंट में जरूर रखें, हम जरूर उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।